गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने किया था हमारा सेकंड चैप्टर। कल सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड है हमारा, वो कौन सा है, देखो टॉपिक क्या है हमारा, प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स यानी देखो नंबर्स हमें पता है कि जो हमारी काउंटिंग होती है, प्लेइंग मतलब खेलना, यानी अब हमने नंबरों के साथ खेलना है ना। खेलने का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको वहां से उछाला और वहां से उछाला, इसको हमने किस चीज में इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया, प्लस किया है, माइनस किया है ना। अब हमने इनके फैक्टर बनाने हैं, कहां से इसको उठा सकते हैं, कहां इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स। तो देखो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत इजी एक्सरसाइज है। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, कहते हैं राइट ऑल द फैक्टर्स फ्लोइंग नंबर्स, कहते हैं जो भी नंबर्स हमने आपको दिए हैं आपने उनको फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर का क्या मतलब होता है बेटा, पहले तो ये बता। फैक्टर होता है कि अगर मैं आपको कोई भी एक नंबर देती हूँ तो वो किस किस की टेबल पे आता है। ठीक है, यानी वो किस किस से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हमने वो हमने उसके फैक्टर बताने हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ है देखो 24। अब आप 24 के फैक्टर बताओ, यानी 24 किस किस की टेबल पे आता है। तो देखो एक वन एक ऐसा नंबर होता है कि हर काउंटिंग आती है, तो सबसे पहले हम इसको वन को अगर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 24 ही आएगा, है ना। फिर आप ये देखो कि 24 किस की टेबल पे आता है। अब आपको कैसे पता चलेगा भाई कि अगर इवन हमें टेबल नहीं आती तो वन, वन के बाद क्या आता है टू। अब टू किसकी टेबल पे, अब टू की टेबल पे 24 कहाँ आता है, उसके लिए हम ना जैसे ट्रिक होती है छोटी सी, हम इसको क्या करके है डिवाइड करके देख लेंगे। अब जैसे ये क्या है 24 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, करके देखो 2 बन जा 2, 4 2 2 जा 4, देखो ये किस पे आया 12 पे, है ना। तो अगर 12 2 जा कितने होते हैं 24, अगर आपको टेबल आती है तो आप झट से समझ जाओगे। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई 12 2 जा कितने होते हैं 24। फिर 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 3 8 24, 3 की टेबल भी मोस्टली सबको आती है ना। 3 के बाद क्या आता है 4 के टेबल पे 24 आता है, 4 6 जा कितने होते हैं 24 होते हैं। अब 5 की टेबल पे नहीं आता, 6 की टेबल पे आता है, 6 की टेबल पे आएगा देखो ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके उल्टा हो जाएगा, 6 × 4 आ जाएगा, बात तो सेम है ना। अब 7 की भी नहीं आता, 8 की भी आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब हमारा ओवरऑल यहाँ के फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टर आर 24 के फैक्टर कौन कौन से बने हमारे, देखो 1 2 3 4, 5 नहीं बना, 6 है क्योंकि अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो 6, और फिर क्या हो जाएगा हमारा 8 भी हो सकता है, 12 और 24, क्योंकि देखो 12 की टेबल में भी आता है और ये 24 की टेबल में आता है। हो गया क्लियर। अब इसी तरह हमारा क्या है 15, हमें सेकंड पार्ट दिया हुआ इसका 15 है। 15 देखो बेटे किसकी टेबल पे आता है, 1 की टेबल पे आता है ना। फिर 2 की टेबल पे 15 नहीं आता हमें पता है, 3 की टेबल पे आता है, 3 5 जो कितने होते हैं 15 होते हैं, 4 की टेबल पे आता है नहीं आता, 5 की टेबल पे आता है ना, 5 3 जा 15 होते हैं, 6 पे नहीं आता, 7 पे नहीं आता, 8 पे भी नहीं आता। तो अब यहाँ पे हमारे क्या हो गया, ये फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ 15, देखो किस किस पे आया है, 1 पे 2 पे 3 पे और किस पे आ रहा है ये 15, खुद पे आता है। अब 1 × 15 कर दो या 15 × 1 कर दो, बात तो बराबर है। तो कौन कौन से फैक्टर बन गए हमारे, 1 3 5 और 15, है ना। ये इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अगर आपको टेबल आती है तो आपका क्वेश्चन एक मिनट में हो जाएगा फटाफट से। 21 देखो 1 की टेबल पे आता है और 2 की टेबल पे आता है नहीं आता, 3 की टेबल पे आता है, 3 7 21, ठीक है, 4 की टेबल पे नहीं आता, 5 पे भी नहीं आता और 6 पे भी नहीं आता, ये किस पे आता है 7 पे आता है, तो ये इसी का उल्टा हो गया, देखो 7 3 21, है ना। 8 पे भी नहीं आता, 9 पे नहीं आता, तो हमारे यहाँ पे ये फैक्टर खत्म। कौन कौन से फैक्टर बने इसके, 1 3 7 और 21, क्लियर। तो इसी तरह इसके ये पार्ट्स हैं, डी पार्ट पे 27, ई पे 12 है, एफ पे 20, जी पार्ट इसका 20 है, एच पार्ट पे 18 है और ये है 36। ये वाले आप अपनी फेयर नोटबुक में खुद करोगे क्योंकि बहुत आसान है सबको मल्टीप्लाई करना। 7th 6th क्लास आपकी है, आपको बहुत अच्छे से आती है तो आप इसको कर पाओगे। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, कि हमें शुरू के 5 मल्टीपल लिखने हैं, मल्टीपल यानी मल्टीप्लाई लिखना है। तो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है 5, अब इसमें भी कुछ ही नहीं है भाई, शुरू के 5 मल्टीपल, तो 5 की टेबल सबको आती है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा
10, 5, 3 जा 15, 5, 4 जा 20, 5, 5 जा 25, शुरू के 5 आओगे ना हमारे, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, देखो फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ कौन कौन से हो गए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, that's it. है ना सिंपल सा. तो अब इसके बी और सी पार्ट कौन कौन से दिया हुआ, 8, तो इसमें आप शुरू की 8 5 4 जा 40 तक होता है ना, 5 तक आप इसकी टेबल लिख दोगे, और ये 9 है तो 9 की टेबल लिख दोगे. कहां तक लिखोगे, 5 तक, 9 5 जा 40 5 तक. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, मैच द आइटम इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2, यानी हमें इसमें मैच करना है. देखो फर्स्ट कॉलम में आपको दिया हुआ है 35, 15, 16, 20 एंड 20, यहाँ पे दोनों सेम दे दिए हैं. अब यहाँ पे क्या दिया है, देखो मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, मल्टी फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 2. अब देखो फर्स्ट है इसका आपका, ये है 35. अब 35 है ये किसका मल्टीपल है भाई, देखो इसमें देखो 7 5 जा 35 तक किसका मल्टीपल है, ये 7, क्योंकि ये सिर्फ 7 की टेबल में 35 आते हैं ना, तो इसका किसका आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर मैंने लिख दिया बी, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, ये बी का है. क्लियर. अब ये क्या है हमारा 15. अब यहाँ पे देखो 15 हमारा क्या किसका मल्टीपल है भाई, देखो 15 30 का फैक्टर है ना, 15 टू जो क्या होता है 30, तो 15 का फैक्टर क्या बनता है हमारा 30 बनेगा ना, तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट का क्या आंसर हमारा डी पार्ट है. ठीक है, क्योंकि देखो ये डी दिया हुआ है यहाँ पे. थर्ड है हमारा 16. अब 16 किसका है भाई बताओ, 16 का किसका मल्टीपल होता है, 8 का, 8 टू जा 16 है ना, तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा ए, तो थर्ड ये सी है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए, तो मैं थर्ड का ए लिख दूंगी. ओके, अब ये देखो भाई 20 20 दोनों ही सेम दिए हुए हैं, तो हम इसका फैक्टर देखो क्या बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा ई फैक्टर, फैक्टर ऑफ 2, क्योंकि 2 का मल्टीपल फैक्टर क्या था, ये दोनों सेम है, तो हम इसका आंसर दोनों का ही आंसर क्या लिख देंगे, फोर्थ का भी और फिफ्थ का भी ई पार्ट. ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th एंड इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100, यानी हमने वो सारे मल्टीपल लिखने हैं 9 के, यानी अप टू 9, यानी 9 से तो अप ज्यादा होने चाहिए, और कहां तक होने चाहिए 100 तक, 100 से ज्यादा नहीं लिख सकते, 100 तक ही लिखने हैं बस हमने ये. ओके, तो भाई 9 के मल्टीपल यानी 9 की मल्टीप्लाई लिखा सकते हैं ना हम इसमें, 9 से क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसमें सिंपल सी चीज है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, बट हमने कहां तक लिखना है, ये 100 तक. अब देखो 90 में अगर मैं 9 और प्लस करूंगी या मल्टीपल 9 से कर दूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा 99 आएगा ना. अब 99 में अगर मैं 9 और प्लस करूंगी तो 100 से ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए हम यहां क्या छोड़ देंगे, इसको 99 तक छोड़ देंगे. ये हमारा क्या हो गया, 9 अप टू 100. ओके, है ना सिंपल से क्वेश्चन बिल्कुल, अगर हमें मल्टीप्लाई आती है तो हम 30 सेकेंड्स भी नहीं लगते क्वेश्चन को करने में. ओके, सो अब आप इसको फेयर कॉपी में करना, कल हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है 3.1. सो हैव ए नाइस डे.